जब मैं उदास होता हूँ तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। जब मैं उदास होती हूँ तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ। जब हम उदास रहते हैं ना, चारों तरफ से हम लोग को छाया लगा रहता है कि हम क्या करें ना करें, दिमाग को काम नहीं करता है क्या आगे हमको करना क्या है। फिर असी अपने दुख दे विच बैठ जाता है चुप करके। घर के बारे सोचते हैं, अपने बच्चे के बारे सोचते हैं, कि भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य में मुझे क्या करना है, आखिर मेरी लाइफ जो है कैसे कटेगी। सो जब मैं उदास होता हूँ तो नॉर्मली मैं गाने वगैरह सुन लेता हूँ, थोड़े से सॉन्ग सुन लेता हूँ, थोड़े से जो मुझे मोटिवेशन देते हूँ, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, जैसे रनिंग वगैरह हो गई, थोड़ा सा उसी से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। टाइम ज़्यादा नहीं, बट म्यूज़िक बाहर के लिए बैठने या फिर शांति में अच्छा लगता है उदासी के टाइम। जब मैं उदास होती हूँ तो मैं गाने सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गाने सुनने से मतलब मेरे को लगता है मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, इसलिए मैं गाने सुनती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लाइक बहुत फ्रस्ट्रेट होनी हूँ, तो मैं वड्डा छोटा कुछ नहीं देखती, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। मैंने पता बहुत ज़्यादा लाइक बैड हैबिट है, बट मैं इदा दी ही हाँ, तो मैं अपने आप कंट्रोल करना भी चाहती हाँ, करांगी भी, तो मेरे फ्रेंड्स मैं सपोर्ट करते हैं जो मैं फ्रस्ट्रेटेड होनी हाँ, तो आई होप मैं अपने आप सेल्फ कंट्रोल कर सका। नॉर्मली जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि अगर कभी मैं किसी प्रॉब्लम में, किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ तो मैं शांत हो जाती हूँ, और शांत होना मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, जिसमें मैं सोच पाती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। जब मैं उदास होता हूँ तो मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मतलब एसोसिएट कर लेता हूँ सबसे, छत पे चला जाऊँगा, ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर कोई मुझसे बात ना करे, तो यह मैं चिड़चिड़ा बहुत बिहेवियर हो जाता है। और जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो वो डिपेंड करता है खुशी किस वजह से है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा बिहेवियर होता है। अगर मान लिया मुझे कुछ मेरी जॉब के रिगार्डिंग या कोई और मेरी सक्सेस है तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगा जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं या जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, और अगर कोई मेरी पर्सनल वजह है जिससे मैं खुश हूँ तो फिर मैं उस खुशी को भरपूर इन्जॉय करता हूँ, वो भी बैठ के ही करता हूँ, शांत बैठ के। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ अकेले में। जब हम लोग खुश रहते हैं तो हम समझ लो पूरा परिवार हम लोग खुश रहते हैं। जब खुश हो जाए फिर बच्चे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने हैं, बच्चे लिए काम भी सुंदर कर दे, सारा कुछ कर दे बच्चे लिए। खुश होते हैं तो अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छी फील करते हैं, रब को याद करते हैं, ऊपर वालों को याद करते हैं, अपने बच्चे सबको देखते हैं सामने। नॉर्मली कुछ नहीं, दोस्तों के साथ एंजॉय वगैरह, पार्टी वगैरह हो गई, थोड़ा घूम फिर लिए, हंसी मजाक, बस होते हैं। बट खुशी के टाइम आई लव शरण की फ़ोटो क्लिक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठ के बातें करना बस। तो फिर मैं डांस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डांस करने से मेरी खुशी, आई मीन आई लाइक टू एक्सप्रेस समवन कि आई एम सो मच हैप्पी, बस दैट्स इट। जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होनी हाँ उदो मैनू फोटोज़ क्लिक कराना बहुत पसंद है, तो मेरी एक फ्रेंड है कीर्तिका, उन्हें फोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है, तो मैं उदो लाइक मैनू कैमरा के सामने आना बहुत पसंद है, तो मैनू पोजेस करना भी बहुत पसंद है, तो मैं उदो फोटोज़ ही क्लिक करानी हाँ, जस्ट फोटोज़। और जब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ तब भी मैं शांत हो जाती हूँ, तब भी मैं यही सोचती हूँ कि अब आगे क्या करना है। और जब खुश होता हूँ तो मैं नाचता हूँ गाता हूँ, सब कुछ शामिल कर लेता हूँ अपनी खुशी में, बस यही है। ना पा खुश होइदा ना पा दास होइदा, गब्बे ही रहिदा है। एक कोई पर्टिकुलर काम तो नहीं हो सकता कि जब उदास होते यही काम करना है या खुश होते यही काम करना है, तो वह तो सिचुएशन से डिपेंड करता है कि तुम उदास होते की कर रहे हो या खुश होता भी की कर रहे हो। यही काम हटा ही करीदा, खुश तो उतना ही होता है बस, जितना चलता है उतना नाराज उतना ही रहता है, कि अब नाराज ज़्यादा हो भी क्या कर सकता है, कुछ कर नहीं पाता है। मैं जब भी खुश होती हूँ या उदास होती हूँ मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाती हूँ। मैं दोनों सिचुएशंस में गाने सुनती हूँ, हिंदी रेट्रो म्यूज़िक। जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना और जब मैं बहुत दुखी होती हूँ मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, और वो है खाना खाना, क्योंकि खाने से बेटर और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में।